इन ए वेंडीग्राफ टाइप जनरेटर ए स्फेरिकल मेटल शेल इज टू बी एट 15 × 10⁶ वोल्ट इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल दिया है आपको, ठीक है, वेंडीग्राफ जनरेटर में आपको पोटेंशियल दिया है। कितना पोटेंशियल है? 15 × 10⁻⁶ वोल्ट। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो दी है वो भी दी है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। मिनिमम रेडियस पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोड की, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल रिक्वायर्ड, मिनिमम रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको पोटेंशियल कितना रखना है वो दे दिया है, पोटेंशियल 15 × 10⁶ वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम गैस जो है वो सस्टेन कर सकती है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। तो पूछ रहे हैं कम से कम रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है, वी जो होता है वो के क्यू बाई आर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वी बाई आर हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो वी अपॉन ई आ रही है। वी कितना है? वी है 15 × 10⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो रेडियस छोटी से छोटी आएगी, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷, तो ये कैंसिल करेंगे 3 times, तो रेडियस मिनिमम से मिनिमम आ रही है 0.3 meter। इससे कम अगर रेडियस पे इतना पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयनाइज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा और चार्ज उड़ के गिर जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम रेडियस कितनी रख सकते हैं? 30 cm या 0.3 meter, इससे कम नहीं।